Hey everyone, welcome to my channel Flaws. Today we'll be talking about the important sections of the Registration Act 1908. So first let us talk about the basic layout of this act. So the first important thing is, ये act लागू कब किया गया? What is the enforcement date of this act? तो ये act लागू किया गया आपका January 1, 1909 को. Next, total number of sections इसमें कितने हैं? So 93 total number of sections हैं और total chapters आपके 15 हैं. Now let us start with the important sections. So पहला important section है section 1 जो कि बात करता है आपके short title, extent और commencement के बारे में. अब इस particular act का short title क्या है? The Registration Act 1908. Extent ये पूरी इंडिया पे लागू होता है except the state of Jammu and Kashmir. So remember Jammu and Kashmir is an exception to this. और इसकी commencement क्या है? जो अभी हम लोग ने पढ़ी इसकी commencement date है 1st January 1909. इस दिन ये act लागू किया गया. Next है आपका section 2 जो कि definitions के बारे में बात करता है. Although इस section में बहुत सारी definitions हैं लेकिन हम लोग important definition से ही deal करेंगे. तो सबसे पहली definition जो important है वो है district court की definition. अब ये कौन से subsection में दे रखी है? तो ये subsection 4 में दे रखी है. District court की definition क्यों important है? Because यहाँ पर district court include करता है high court in its ordinary original civil jurisdiction को. Therefore district court की definition is important. Next definition endorsement. Endorsement आपका subsection 5 में दे रखा है. अब endorsement क्या होता है या endorsed क्या होता है? जब कोई registering officer कोई written entry करते हैं किसी भी document की cover slip के ऊपर तो उसे कहा जाता है endorsement करना. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो कि आपकी सबसेक्शन 6 में दे रखी है. अब इमूवेबल प्रॉपर्टी की दो चीजें हैं कि इसमें इंक्लूड क्या करता है और इसमें क्या इंक्लूड नहीं करता है. सो इंक्लूड तो इंपॉर्टेंट है बट नॉट क्या इंक्लूड नहीं करता वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या इंक्लूड करता है. तो लैंड बिल्डिंग हेरिडिटी अलाउंस. प्लीज इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि हेरिडिटी अलाउंस आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग टू द रजिस्ट्रेशन एक्ट. राइट्स टू वे लाइट फेरीज फिशरीज या कोई अदर बेनिफिट जो कि लैंड से अराइज हो रहा हो या फिर कोई भी चीज जो अर्थ में अटैच्ड हो या फिर कोई भी चीज जो कि परमानेंटली फास्टेंड हो उन चीजों से जो कि अर्थ में अटैच्ड है. अब क्या इंक्लूड नहीं करता है? तो ये तीन चीजें इंक्लूड नहीं करता. प्लीज डू रिमेंबर दिस. स्टैंडिंग टिम्बर को इंक्लूड नहीं करता है. ये ग्रोइंग क्रॉप्स को इंक्लूड नहीं करता है और ये ग्रास को इंक्लूड नहीं करता. सो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होते हैं. अब आता है मूवेबल प्रॉपर्टी. मूवेबल प्रॉपर्टी आपका डिफाइंड है सबसेक्शन 9 में. मूवेबल प्रॉपर्टी वो सारी चीजें जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आती हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी में कवर होती हैं. जैसे स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, फ्रूट जूसेस इन ट्रीज या जो भी प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है. लास्ट जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी सेक्शन 2 के अंदर वो है आपकी सबसेक्शन 10 में और वो डिफाइन करती है रिप्रेजेंटेटिव को. अब दो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव डिफाइंड है. एक हो गया आपका माइनर और एक हो गया आपके ल्यूनेटिक या फिर इडियट. अब माइनर की अगर आप बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव मतलब उनके गार्जियन और अगर आप ल्यूनेटिक या इडियट की बात करें तो उनके लीगल क्यूरेटर या फिर कमिटी. तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स इंक्लूड करे गए हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका सेक्शन 3 जो कि बात करता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में. तो पहली सबसे पहली चीज दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा. तो इनकी अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करेगी. अब क्या ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी है इनकी अपॉइंटमेंट करना? तो बिल्कुल मैंडेटरी है. क्यों? शैल हैज बीन यूज्ड इसलिए मैंडेटरी है स्टेट गवर्नमेंट को इनको अपॉइंट करना. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका सेक्शन 5 जो कि डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करता है. अगेन डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट को कौन क्रिएट करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट इन्हें क्रिएट करती है और क्योंकि यहां पर शैल यूज हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट क्रिएट करेगी ही करेगी डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन सेक्शन 6 रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट की बात करी जा रही है. तो यहां पर बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट. तो क्योंकि यहां पर मे यूज किया गया है तो स्टेट गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन है वो अपॉइंट कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है. तो स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट वो ऐसे पर्सन को अपॉइंट करेगी. हो सकता है कि वो पब्लिक ऑफिसर्स हो या पब्लिक ऑफिसर्स नहीं भी हो सकते हैं वो. और ये कहां पर अपॉइंट किया जाता है? तो अगर डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो वहां पर आपके रजिस्ट्रार अपॉइंट किए जाएंगे और अगर सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो वहां पर आपके सब रजिस्ट्रार अपॉइंट किए जाएंगे. और अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट कर रही है. ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट यू हैव सेक्शन 7 जो कि बात करता है ऑफिसर्स ऑफ रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार के बारे में. अब यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर मैंडेटरी ड्यूटी है. किसके ऊपर? स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि यहां पर क्या यूज किया गया है? शैल को यूज किया गया है. तो उनके ऊपर मैंडेटरी ड्यूटी है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक रजिस्ट्रार का ऑफिस बनाया जाएगा, हर एक सब डिस्ट्रिक्ट में सब रजिस्ट्रार का ऑफिस बनाया जाएगा. सो डिस्ट्रिक्ट में किसका बनाया जाएगा? रजिस्ट्रार का, और सब डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा सब रजिस्ट्रार का ऑफिस. ओके. और स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के ऑफिस को अमेलगमेट कर सकती है, और वहां पर फिर सब रजिस्ट्रार अपने फंक्शंस कैरी ऑन करते हैं. लेकिन ऐसी सिचुएशन में जहां सब रजिस्ट्रार अपने फंक्शंस कैरी ऑन करते हैं, उनके पास एक राइट नहीं होती है. और वो क्या राइट है? कि वो अपने डिसीजन की अपील नहीं सुन सकते. ठीक है, अपने डिसीजन की वो अपील नहीं सुन सकते. सो रिमेंबर दिस. नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 8, जो कि बात करता है इंस्पेक्टर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के बारे में. तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट, अगेन स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि यहां पर मे यूज किया गया है, तो स्टेट गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन है. स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो अपॉइंट कर सकती है, नहीं चाहे तो ना करे. वो ऐसे ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगी जो होंगे आपके इंस्पेक्टर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस, और फिर उनको ड्यूटीज असाइन करेगी. अब सबऑर्डिनेशन यहां पर दे रखी है कि जो भी आपके इंस्पेक्टर होंगे जो यहां पर अपॉइंट हो रहे हैं सेक्शन 8 में, किसके सबऑर्डिनेट होंगे? ये इंस्पेक्टर जनरल. तो इंस्पेक्टर जनरल और उनके नीचे आएंगे आपके सेक्शन 8 के इंस्पेक्टर्स. तो ये सबऑर्डिनेशन होगी. सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 10, जो कि बात करता है एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार और वैकेंसी इन ऑफिस. अब इस सेक्शन में दो कंडीशंस हैं. पहली कंडीशन है कि अगर रजिस्ट्रार का ऑफिस वेकेंट है किसी प्रेसिडेंसी टाउन की डिस्ट्रिक्ट में, या फिर किसी ऐसी डिस्ट्रिक्ट में जो प्रेसिडेंसी टाउन में फॉल नहीं करती है. तो अगर कोई ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो कि प्रेसिडेंसी टाउन में फॉल नहीं करती है, और वहां पर अगर रजिस्ट्रार एब्सेंट है या फिर उनका ऑफिस टेम्पररली वेकेंट है, तो वहां पर रजिस्ट्रार को या किसी ऑफिसर को एज अ रजिस्ट्रार पहले कौन अपॉइंट करेगा? इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट करेंगे. अगर इंस्पेक्टर जनरल डिफॉल्ट करते हैं तो कौन अपॉइंट करेगा? तो वहां के डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट करेगा. दूसरी कंडीशन आती है कि जब कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंसी टाउन के एरिया में आ रही है और वहां पर रजिस्ट्रार का अगर ऑफिस वेकेंट है या टेम्पररी वेकेंट है या फिर वो एब्सेंट है, तो वहां पर अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो सबसे पहले आपके इंस्पेक्टर जनरल करते हैं. अगर ये डिफॉल्ट करते हैं तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट करती है. सो दिस इज सेक्शन 10. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 15, जो कि सील के बारे में बात करता है. पहली तो ये सील कौन से रजिस्ट्रिंग ऑफिसर्स बियर करेंगे? तो ये आपके रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार बियर करेंगे. कौन सी? फिर इस सील पे क्या इंस्क्रिप्शन होगी? तो इस सील पे इंस्क्रिप्शन होगी सील ऑफ रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार. ये इंस्क्रिप्शन इस पर्टिकुलर सील पे होगी. अब ये कौन सी लैंग्वेज में होगी? दो लैंग्वेज मैंडेटरी है, एक तो इंग्लिश प्लस वो कोई भी लैंग्वेज जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करे. ठीक है, सो इन दो लैंग्वेज में ये होंगी. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 16, जो कि बात करता है रजिस्टर बुक्स के बारे में और फायर अप्रूफ बॉक्सेस के बारे में. इन्हें प्रोवाइड कौन करता है? तो इन्हें प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट. और क्योंकि यहाँ पर शैल यूज किया गया है, तो ये मैंडेटरी होता है स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट पे कि वो रजिस्टर बुक्स और फायर प्रूफ बॉक्सेस को हर एक रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के ऑफिस में प्रोवाइड करें इस एक्ट के पर्पस के लिए. अब इनका काम क्या होता है इन बुक्स और फायर बॉक्सेस का? पहली बात तो बुक्स के बारे में बात करते हैं. तो बुक्स में आपके सारे फॉर्म्स होते हैं जो टाइम से टाइम आपके इंस्पेक्टर जनरल प्रिस्क्राइब करते हैं विद द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. तो वो सारे फॉर्म्स इस बुक्स में अवेलेबल होते हैं. एंड दूसरी चीज इज ये जो बुक्स होती हैं ये सर्टिफाइड होती है. इनका हर एक पेज जो है वो सर्टिफाइड होता है. अब वो सर्टिफिकेशन करता कौन है? वो ऑफिसर करता है जिसने वो पर्टिकुलर बुक को इशू किया होता है. नेक्स्ट आते हैं आपके फायर प्रूफ बॉक्सेस. फायर प्रूफ बॉक्सेस भी स्टेट गवर्नमेंट सप्लाई करती है हर एक रजिस्ट्रार के ऑफिस में. किसके ऑफिस में? हर एक रजिस्ट्रार के ऑफिस में आपको फायर प्रूफ बॉक्सेस मिलते हैं. फायर प्रूफ बॉक्सेस के अंदर ही जितना भी आपका रिकॉर्ड्स कनेक्टेड है आपके इससे रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से, जो भी आपके रिकॉर्ड्स होते हैं, उन सारे रिकॉर्ड्स को इन फायर बॉक्सेस की सेफ कस्टडी में रखा जाता है. सो बेसिकली इन दोनों का काम है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर किए जा रहे हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, उनकी सेफ कस्टडी को इंश्योर करना. नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन सेक्शन 17. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सेक्शन 17 कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देता है जिनकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. अब कंपलसरी कैसे है? बिकॉज यहां पर वर्ड शैल यूज किया गया है, तो उन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर होना जरूरी होता है. और वो लिस्ट क्या है?
सबसे पहले कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट है, अब गिफ्ट आपको पता है, गिफ्ट आप मूवेबल प्रॉपर्टी का भी कर सकते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी कर सकते हो. अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी का किया है देन यू रियली नीड टू गेट इट रजिस्टर्ड बिकॉज सेक्शन 17 ये मैंडेट लगा देता है. दूसरी चीज, कोई भी अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, कोई भी अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट हो जिसकी 100 रुपीज की वैल्यू से ऊपर हो तो उसको आपको रजिस्टर कराना होता है. कोई भी ऐसा नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो कि आपकी कोई पेमेंट को या रिसीट को एक्नॉलेज कर रहा हो उसको आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा. कोई भी लीज, लीज के केस में कोई भी लीज जहां पर टेन्योर उसका 1 ईयर से अबव हो, तो अगर 1 ईयर से ज्यादा है तो वहां पर आपको उस लीज अग्रीमेंट की रजिस्ट्रेशन करवानी होती है. एंड द नेक्स्ट इज कि जहां पर कुछ ऐसे नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि कोई डिक्री को ट्रांसफर हो रहा है या कोई डिक्री को साइन किया जा रहा है और उनकी वैल्यू 100 रुपीज से ऊपर है तो वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है. स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो कुछ लीसेस को एग्जेम्प्ट कर सकती है रजिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से, पर उन लीसेस की क्या कंडीशंस हैं, पहली चीज तो वो मैक्सिमम कितने साल की होनी चाहिए, 5 ईयर्स की होनी चाहिए. एंड दूसरी चीज जो उनका एनुअल रेंट है वो आपका 50 रुपीज तक होना चाहिए, 50 रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो उस पर्सपेक्टिव में स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा उन लीसेस को एग्जेम्प्ट कर सकती है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए. नेक्स्ट, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है आपकी सेक्शन 53A ऑफ TPA के अंदर के रिस्पेक्ट में, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसको आपको रजिस्टर कराना ही होगा, अगर वो आपके रजिस्ट्रेशन एक्ट के कमेंसमेंट के बाद एग्जीक्यूट हुई है, और अगर आप उसे रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है. आप कुछ लिस्ट दे रखी है सबसेक्शन 2 में जहां पर आपका क्लॉज बी और सी लागू नहीं होता है सबसेक्शन 1 का, और वो लिस्ट क्या है, कोई भी कॉम्पोजिशन डीड, मतलब कोई भी कॉम्प्रोमाइज की अगर डीड है, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो कि कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर से रिलेटेड है, कोई भी डिबेंचर्स जिसे किसी कंपनी ने इशू किया है एंड दे आर नॉट क्रिएटिंग और डिक्लेयरिंग एनी टाइप ऑफ राइट, टाइटल और इंटरेस्ट टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी इंडोर्समेंट या कोई भी ट्रांसफर ऑफ एनी डिबेंचर्स जिनको कंपनी ने इशू किया है, कोई भी डॉक्यूमेंट अदर दैन द डॉक्यूमेंट जो आपके 1A में स्पेसिफाइड है, कोई भी डिक्री या ऑर्डर ऑफ कोर्ट एक्सेप्ट वो डिक्री या ऑर्डर जिसपे कॉम्प्रोमाइज किया गया है या फिर उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की ग्रांट गवर्नमेंट जो देती है, कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर अगर पार्टीशन का इंस्ट्रूमेंट देते हैं, कोई भी लोन अगर दिया जाता है लैंड इंप्रूवमेंट एक्ट के अंदर, या फिर कोई लोन दिया जाता है एग्रीकल्चरल लोन एक्ट के अंदर, या कोई ऑर्डर अगर दिया जाता है चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट के अंदर, या फिर कोई इंडोर्समेंट किसी भी मॉर्टगेज डीड की अगर एक्नॉलेज, कोई भी मॉर्टगेज डीड है उसकी इंडोर्समेंट करी गई, या उसकी पेमेंट जो मॉर्टगेज मनी है उसको एक्नॉलेज किया गया, या फिर कोई सिविल या रेवेन्यू ऑफिसर अगर कोई प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं पब्लिक ऑक्शन के थ्रू, तो जो परचेजर को सर्टिफिकेट ऑफ सेल दिया जाता है उस पे आपका सबसेक्शन 1 जो है उसका बी और सी क्लॉज लागू नहीं होता है रजिस्ट्रेशन का. ओके, एंड सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 17. सेक्शन 17 को आप बहुत अच्छे से पढ़ें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 18. कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, आप चाहें तो करा सकते हैं और नहीं भी करा सकते हैं, तो इट इज टोटली अपॉन योर डिस्क्रिशन. वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट अदर देन गिफ्ट, तो गिफ्ट और विल के अलावा जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होती है, और प्रोवाइडेड उनकी वैल्यू कितनी हो, 100 रुपीज से कम हो. ठीक है, तो गिफ्ट और विल के अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं अगर उनकी वैल्यू 100 रुपीज से कम है तो उनकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है. दूसरी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी जो पेमेंट को एक्नॉलेज कर रहे हो, कोई भी रिसीट या कोई भी पेमेंट एक्नॉलेज अगर करी जा रही हो तो उसकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होती है. अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की लीज है और लीज अगर आपकी 1 ईयर के टेन्योर से अगर कम है तो आपको रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, 1 ईयर से ज्यादा है तो सेक्शन 17 कहता है मैंडेटरी होता है. फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि कोई भी डिक्री को असाइन या ट्रांसफर कर रहे हो, या कोई भी अवार्ड जो आपको आर्बिट्रेशन में मिलता है अगर उसकी वैल्यू 100 रुपीज से कम है तो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है. कोई भी इंस्ट्रूमेंट अदर देन विल जो कोई इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हो किसी मूवेबल प्रॉपर्टी में उसकी ऑप्शनल है. कोई भी विल की रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, तो दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट. ठीक है, विल की रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है यहाँ पे. एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स नॉट रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 17 टू बी रजिस्टर्ड.
और बाकी जो भी सेक्शन 17 में डॉक्यूमेंट्स मेंशन नहीं है उनकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सेक्शन 18 की है, क्या विल की रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी है? नो, सेक्शन 17 कहता है ऑप्शनल है. सो डू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है आपका सेक्शन 19, जो कि बात करता है डॉक्यूमेंट्स इन लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय रजिस्ट्रिंग ऑफिसर. अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको प्रेजेंट किया गया है किसी भी रजिस्ट्रेशन के लिए और वो एक ऐसी लैंग्वेज में है जिसको रजिस्ट्रिंग ऑफिसर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर एंड दूसरी चीज वो ऐसी लैंग्वेज है जो उस डिस्ट्रिक्ट में कॉमनली यूज नहीं करी जाती है, तो वहां पर वो तब तक उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं करेंगे रजिस्ट्रार जब तक उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन ट्रांसलेटेड कॉपी ना रजिस्ट्रार को दे दी जाए. सो दिस इज सेक्शन 19. नेक्स्ट आता है सेक्शन 20. सेक्शन 20 बात करते हैं कि अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें कोई आपके इंटरलाइनेशंस हैं, कोई ब्लैंक्स हैं, कोई इरेजर्स हैं या फिर कोई ऑल्टरेशंस हैं, अगर ये सब चीज़ें हैं किसी डॉक्यूमेंट में तो क्या उन्हें रजिस्टर किया जा सकता है? तो यहाँ पर लिखा है ये रजिस्ट्रिंग ऑफिसर में उनकी डिस्क्रिशन होती है, वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को रिफ्यूज कर सकते हैं रजिस्टर करने से. ही मे रिफ्यूज टू रजिस्टर सच डॉक्यूमेंट्स एंड अनलेस जब तक जो पर्सन जिसने वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है अगर वो हर एक डिफेक्ट के ऊपर अगर वो साइन कर दें अपने इनिशियल्स दे दें तो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर उसे रजिस्टर कर सकते हैं, अदरवाइज ही कैन रिफ्यूज. डिस्क्रिशन है उनका. अगर रजिस्ट्रिंग ऑफिसर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर देते हैं तो ही शैल एट द टाइम ऑफ रजिस्टरिंग द सेम एक नोट लिखेंगे रजिस्टर में रिगार्डिंग ये ऑल्टरेशंस ये सब प्रेजेंट है उसके इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस आई हैव रजिस्टर्ड द डॉक्यूमेंट. सो दिस इज सेक्शन 20. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 21, जो कि बात करता है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड मैप्स और प्लान्स. तो यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी नॉन टेस्टमेंट्री डॉक्यूमेंट जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है उसको तब तक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा फॉर रजिस्ट्रेशन जब तक उसके साथ उस प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन का मैप अटैच ना हो. अगर प्रॉपर्टी एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में है तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का मैप आपको वहां पर अटैच करना होगा. तो अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई नॉन टेस्टमेंट्री डॉक्यूमेंट है तो वो तब तक रजिस्टर नहीं किया जाएगा जब तक आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का मैप अटैच नहीं कर देते. अगर एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में है तो आपको हर डिस्ट्रिक्ट का मैप अटैच करना होगा. सो दिस इज सेक्शन 21. नेक्स्ट सेक्शन 23, जो कि बात करता है टाइम फॉर प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स. अब क्या टाइम है जब आपको डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने होते हैं? तो इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस आपके जो सेक्शन 24, 25, 26 में दे रखे उन प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए कोई भी डॉक्यूमेंट अदर देन विल. तो एक्सेप्शन क्या है? आपका विल. ये आपका यहां पर क्या है? ये एक एक्सेप्शन है. तो अदर देन विल अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है आपका तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा फॉर रजिस्ट्रेशन अनलेस प्रेजेंटेड फॉर दैट पर्पज टू द प्रॉपर ऑफिसर विद इन 4 months. तो जैसे ही कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो रहा हो, ठीक है, जैसे ही कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो रहा हो सो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से 4 months के अंदर आपको उसे रजिस्टर कराना होता है. और ये कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं आपके? ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट्स अदर देन विल. ठीक है, रिमेंबर दिस. ऐसे डॉक्यूमेंट्स विल के अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको उन्हें 4 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट कर देना है. अगर कोई कॉपी ऑफ डिक्री या ऑर्डर है तो उसको आपको अगेन 4 months के अंदर प्रेजेंट कर देना है. कब से? फ्रॉम द डेट ऑन विच दैट डिक्री और ऑर्डर वॉज मेड. और इन केस अगर उसकी अपील लाए करती है तो विद इन 4 months फ्रॉम द डे ऑन विच इट बिकम्स फाइनल. तो डिक्री और ऑर्डर की अगर हम बात करें तो अगेन टेन्योर आपका कितना है? 4 months का ही टेन्योर है. बट ये कब? फ्रॉम द डे जिस दिन डिक्री या ऑर्डर पास हुआ, ठीक है. और इन केस वो अपीलेबल है, अपील लाई करती है तो जिस दिन वो फाइनल हुआ, ओके, उस दिन से 4 months काउंट होंगे. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 23A, जो कि बात करता है री रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टन डॉक्यूमेंट्स के बारे में. तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर ली रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार ने एक ऐसे पर्सन से हु वॉज नॉट ड्यूली एम्पावर्ड टू प्रेजेंट द सेम एंड उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर लिया गया, तो कोई भी पर्सन जो कि उस डॉक्यूमेंट को क्लेम कर रहा है वो विद इन 4 months क्या टेन्योर दे रखा है? विद इन 4 months दैट पर्सन जो भी क्लेम कर रहा हो. अब ये विद इन 4 months कब से? जब वो पहली बार अवेयर हुआ हो उस डिफेक्ट के बारे में कि ये चीज करी गई है, तो उससे लेके 4 months के अंदर वो जाके प्रेजेंट कर सकता है रजिस्ट्रार के सामने कि जिस डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन करी गई है वो इनवैलिड है. एंड वो अपनी जस्टिफिकेशन जाके वहां पे दे सकता है. अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि जो भी
प्रेजेंट कर रहा है, जो भी एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज ट्रू, तो वहां पर वो उस डॉक्यूमेंट को री रजिस्टर कर देंगे और ऐसे रजिस्टर करेंगे जैसे पुराना डॉक्यूमेंट की जो पुरानी रजिस्ट्रेशन है वो कभी रजिस्ट्रेशन हुई ही नहीं थी. तो ऐसे रजिस्ट्रेशन, री रजिस्ट्रेशन उस डॉक्यूमेंट की कर दी जाएगी. सो दिस इज 23A. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज 26, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ इंडिया. अब कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट हुए हैं किसी भी पार्टीज के थ्रू और वो इंडिया में प्रेजेंट नहीं किए गए हैं टिल आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम हेयर एंड बिफोर प्रिस्क्राइब इन दैट बिहाफ. तो 4 months का टाइम है, अगर उस टाइम के अंदर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट किए गए हैं और 4 months के अंदर अगर उन्हें रजिस्टर नहीं किया गया है, तो उस सिचुएशन में अगर रजिस्ट्रिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हुए हैं, प्लस अगर रजिस्ट्रिंग ऑफिसर सर्टिफाइड हो जाते हैं दैट द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, एंड सेकेंड थिंग कि विद इन 4 months आफ्टर इट्स अराइवल, जो भी पर्सन है जैसे ही वो इंडिया में अराइव होते हैं वो विद इन 4 months अगर उसको प्रेजेंट कर देते हैं रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के सामने और रजिस्ट्रिंग ऑफिसर उसकी एग्जीक्यूशन से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो ऑन पेमेंट ऑफ सर्टन प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फीस वो उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे फॉर रजिस्ट्रेशन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 28, जो कि बात करता है प्लेस फॉर रजिस्टरिंग डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू लैंड. अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो लैंड से रिलेटेड हैं तो वो कहां पर रजिस्टर किए जाएंगे, तो पहली बात तो यहां पर शैल यूज किया गया है, तो वो रजिस्टर करे जाएंगे किसी भी सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जिसकी सब डिस्ट्रिक्ट में वो पूरी प्रॉपर्टी आती हो या फिर उस प्रॉपर्टी का कोई भी पोर्शन आता हो, तो वहां पर रजिस्टर होंगे. कौन, किसके ऑफिस में? सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जिसकी सब डिस्ट्रिक्ट में वो पर्टिकुलर लैंड आता हो. नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन सेक्शन 29, जो कि बात करता है प्लेस फॉर रजिस्टरिंग अदर डॉक्यूमेंट्स. अदर डॉक्यूमेंट्स को कैसे रजिस्टर किया जाएगा, तो अदर डॉक्यूमेंट्स में सेक्शन 29 में मे यूज किया गया है, तो डिस्क्रिशन है, आप कहां पर भी प्रेजेंट कर सकते हैं. आइदर यू कैन प्रेजेंट इन द ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार जिसकी सब डिस्ट्रिक्ट में वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, या फिर आप उसको किसी और सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में प्रेजेंट कर सकते हैं जहां पर अंडर द स्टेट गवर्नमेंट एट विच ऑल द पर्सन, जितने भी पर्सन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, उन सारे सब रजिस्ट्रार की जुरिस्डिक्शन में यू कैन प्रेजेंट दैट डॉक्यूमेंट. दूसरी चीज, जो सब रजिस्ट्रार है जिसकी सब डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनल डिक्री या ऑर्डर मेक किया गया था, वो डिक्री या ऑर्डर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं करता है तो आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में कर सकते हैं जहां पर वो सारे पर्सन्स जो भी इन्वॉल्व हैं वो क्लेम कर रहे हो डॉक्यूमेंट का, तो आइदर ऑफ दी सब रजिस्ट्रार में आप कर सकते हैं अगर वो लैंड के अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स है. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका सेक्शन 31, जो कि बात करता है रजिस्ट्रेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर डिपॉजिट एट प्राइवेट रेसिडेंस. तो यहां पर बोला गया अगर ऑर्डिनरी केसेस हैं तो वहां पर रजिस्ट्रेशन या फिर डॉक्यूमेंट की डिपॉजिट जो है वो आपको पर्सनली जाके करनी होती है. कहां पर? जो भी ऑफिसर ऑथराइज्ड है उसको एक्सेप्ट करने के लिए उसके ऑफिस में जाके. लेकिन अगर कोई स्पेशल कॉज है तो वहां पर वो पर्टिकुलर ऑफिसर उस पर्सन के रेसिडेंस पे जाके उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन, या अगर कोई विल है तो उसको डिपॉजिट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर विल को. सो वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, अदरवाइज यू हैव टू गो टू द प्लेस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफिसर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 32, जो कि बात करता है पर्सन्स टू प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन. अब आप कौन से पर्सन्स को डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो एक्सेप्ट इन द केसेस जो आपके सेक्शन 31 में मेंशनड है, 88 और 89 में मेंशनड है, हर एक डॉक्यूमेंट जो भी रजिस्टर किया जाएगा इस एक्ट के अंदर, चाहे वो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो या फिर वो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल हो, इट शैल बी प्रेजेंटेड एट द प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ऑफिस. तो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आपको उसको प्रेजेंट करना होगा. अब उसको प्रेजेंट कौन करेगा? बाय सम पर्सन जो कि उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा हो या क्लेम कर रहा हो, या फिर उस पर्सन का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव या फिर कोई भी असाइनी या कोई भी एजेंट उस पर्सन का या रिप्रेजेंटेटिव या असाइनी जो कि ड्यूली ऑथराइज हो पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू. तो ये 3 लोग हैं जो कि क्लेम कर सकते हैं यहाँ पे. सो एक तो हो गई आपकी पार्टी, दूसरा आपका हो गया रिप्रेजेंटेटिव या असाइनी, और तीसरा हो गया आपका पावर ऑफ अटॉर्नी. सो ये 3 लोग जाके प्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 32A. सेक्शन 32A बात करता है आपकी कंपल्सरी अफिक्सिंग ऑफ फोटोग्राफ एक्सेट्रा. नाउ एवरी पर्सन जो भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहा है एट द प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ऑफिस सेक्शन 32 के अंदर, वो अपनी एक पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ को अफिक्स करेंगे एंड फिंगरप्रिंट्स. एंड यूज किया गया है तो फोटोग्राफ इज ऑल्सो मैंडेटरी
एंड प्लस योर फिंगरप्रिंट आर ऑल्सो मैंडेटरी. ये दोनों ही आपको अफिक्स करने होंगे. नेक्स्ट, जो भी डॉक्यूमेंट है जो कि रिलेट करता है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की ओनरशिप के ट्रांसफर से, तो जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और फिंगरप्रिंट्स हर एक बायर के, हर एक सेलर के उसमें अफिक्स किए जाएंगे. ओके, सो डू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट, सेक्शन 33 इंपॉर्टेंट है. पावर ऑफ अटॉर्नी रिकॉग्नाइजेबल फॉर पर्पस ऑफ सेक्शन 32. अब कौन सी पावर ऑफ अटॉर्नी को रिकॉग्नाइज किया जाएगा सेक्शन 32 के लिए, जो कि पर्सन या पार्टी के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट जाके प्रेजेंट कर सकते हैं. सो फॉर दैट पर्पस, अगर प्रिंसिपल मीन्स जो पार्टी है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूटिंग द पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर वो इंडिया में रिसाइड करती है. अब तीन सिचुएशंस हैं. एक तो वो इंडिया में रिसाइड करती है जहां पर दिस पर्टिकुलर एक्ट इज एप्लीकेबल. दूसरी सिचुएशन में है कि वो इंडिया में रिसाइड करती है पार्टी पर एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल. एंड तीसरी सिचुएशन है कि वो आउटसाइड इंडिया रिसाइड करती है पार्टी. तो तीन सिचुएशंस दे रखी हैं. तो अगर वो इंडिया में रिसाइड करती है और उस पर एक्ट एप्लीकेबल है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूटेड बिफोर होम, बिफोर रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार. तो इस कंडीशन में क्या है, रजिस्ट्रार या फिर सब रजिस्ट्रार के सामने वो पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट होनी चाहिए. अगर वो इंडिया में तो है बट ऐसे पार्ट में जहां पर ये एक्ट लागू नहीं है, तो वो किसके द्वारा ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए, मैजिस्ट्रेट के द्वारा. किसके द्वारा, मैजिस्ट्रेट के द्वारा. और तीसरी सिचुएशन है कि वो इंडिया के बाहर है, तो उस पर्टिकुलर केस में लिस्ट दे रखी है. एक तो आपके नोटरी पब्लिक हो गए, उनसे आप ऑथेंटिकेट करा सकते हैं, किसी कोर्ट से, किसी जज से, किसी मैजिस्ट्रेट से करवा सकते हैं, या फिर किसी इंडियन काउंसिल से करवा सकते हैं, या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से करवा सकते हैं. सो ये लिस्ट आपकी दे रखी है. ओके, और कुछ पर्सन्स हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन ऑफिस में या कोर्ट में पर्सनली जाने की जरूरत नहीं होती है. ऐसे पर्सन्स जो कि, तो यहाँ पर तीन कैटेगरीज ऑफ पर्सन दे रखे हैं. ऐसे पर्सन जो कि इनफर्म हो, उन्हें कोई कोई बीमार हो वो, या फिर वो जेल में हो बिकॉज ऑफ एनी सिविल या क्रिमिनल प्रोसेस, या फिर उनकी पर्सनल अपीयरेंस को एग्जेम्प्ट किया गया हो, तो इन तीनों को नहीं जाना होता है. फॉर दीज पर्सन्स, मतलब are not required to attend the registration office for executing any such power of attorney. So this is section 33. Next important चीज जो आपकी section 33 में है कि in case of every such person, registrar, sub registrar, magistrate, अगर वो satisfied है कि power of attorney voluntary execute करी गई है by the person who appears to be the principal, तो वो उसको attest कर देंगे without requiring personal attendance of the principal person. तो वो उस document को attest कर देंगे अगर वो magistrate या कोई भी जो भी उसको certify कर रहा है, अगर वो satisfied हो जाते कि हाँ voluntary execute करी गई है. Evidence obtain करने के लिए कि voluntary execute करी गई है कि नहीं करी गई है, magistrate खुद उस पर्सन के हाउस पे जा सकते हैं. मैजिस्ट्रेट या जो भी एग्जीक्यूट, जो भी सर्टिफाई कर रहा हो ऑफिसर, वो उस पर्सन के रेसिडेंस पे जा सकता है, उस प्रिंसिपल पर्सन के रेसिडेंस पे. अगर वो जेल में है कोई पर्सन, तो जेल में जा सकते हैं, जाके एग्जामिन कर सकते हैं, या फिर कमीशन भी इशू कर सकते हैं. सो दिस इज सेक्शन 33. नेक्स्ट, सेक्शन 35, प्रोसीजर ऑन एडमिशन एंड डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन रिस्पेक्टिवली. तो सेक्शन 35 कहता है कि अगर सारे पर्सन जो कि डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर वो पर्सनली अपियर हो जाते हैं रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के सामने, एंड दोज पर्सन, उन पर्सन को रजिस्ट्रिंग ऑफिसर पर्सनली अगर जानते हैं और वो सेटिस्फाई हो जाते हैं रजिस्ट्रिंग ऑफिसर कि वो पर्सन जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो वही पर्सन हैं, और वो एडमिट कर लेते हैं सारी डॉक्यूमेंट्स के एग्जीक्यूशन, तो वहां पे इफ इन द केस एनी पर्सन अपियरिंग बाय अ रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई पर्सन रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपियर हो रहा है, मतलब अगर वो पर्सन पर्सनली अपियर ना हो, अपने रिप्रेजेंटेटिव को अगर उसने सेंड कर दिया है, एजेंट को भेज दिया है, और वो पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट उस एग्जीक्यूशन को एडमिट कर रहा है, या फिर कोई भी पर्सन जो कि डेड है उसके रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया गया और वो एग्जीक्यूशन एडमिट कर रहा है, तो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर उस केस में शैल रजिस्टर. तो जहां पर एडमिट कर रहे हैं वो लोग डॉक्यूमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव हो, पार्टी हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, कोई भी हो, दे आर एडमिटिंग द डॉक्यूमेंट, तो वहां पर शैल रजिस्टर, मतलब मैंडेटरी रजिस्ट्रिंग ऑफिसर उसे रजिस्टर कर देंगे. लेकिन जहां पर रजिस्ट्रिंग ऑफिसर अपने आप को पहले सेटिस्फाई करेंगे कि जो इंसान जैसा रिप्रेजेंट कर रहा है वो वैसा है भी कि नहीं है, और उस पर्पज के लिए वो उस पर्सन को एग्जामिन कर सकते हैं,
एंड इफ एनी पर्सन बाय होम द डॉक्यूमेंट परपोज टू बी एग्जीक्यूटेड, अगर वो जो भी पर्सन जिसने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया, अगर वो उसकी एग्जीक्यूशन, उस डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को ही मना कर रहा है, डिनाई कर रहा है, अगर वो पर्सन माइनर है, इडियट है या लुनेटिक है, या फिर वो ऐसा कोई पर्सन है जिसकी डेथ हो चुकी है और उसका रिप्रेजेंटेटिव या साइनी उस डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को डिनाई कर रहे हैं, तो वहां पर रजिस्ट्रिंग ऑफिसर shall refuse to register the document. तो मुद्दे की बात इस सेक्शन में दो हैं कि अगर एडमिशन हो रहा है डॉक्यूमेंट का तो shall register, और अगर एग्जीक्यूशन डिनाई हो रहा है तो shall refuse to register. ठीक है, सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. नेक्स्ट आ रही है सेक्शन 38, persons exempted from appearance at registration office. तो कौन से persons exempted हैं? तो कुछ categories of persons ये रखा है. सबसे पहले जो bodily infirm persons हो, उनको appear होने की जरूरत नहीं है. अगर कोई person ऐसे हैं जो jail में हैं because of some civil or criminal process, या कोई exempted है, personal appearance है, तो उन्हें appear होने की जरूरत नहीं होती है. और इन सब cases में every such person, the registering officer shall either himself go, इन तीनों ही केसेस में registering officer या तो personally जाएंगे उन persons के घर पे, या तो फिर jail पे, या फिर commission issue कर सकते हैं उनको examine करने के लिए. So this is section 8. Next important section is section 40, persons entitled to present wills and authorities to adopt. अब कौन से लोग wills present करने के लिए entitled हैं? तो testator. Testator जो होता है, the person who makes the will, he is the testator. वो after his death, कोई भी, या तो testator, या फिर अगर इनकी death हो जाती है, तो इसके बाद जो भी executor होगा, वो present कर सकता है किसी भी registrar को या sub registrar को will for registration. किसको present कर सकता है? Registrar को या sub registrar को for registration of the will. अब जो donor और after his death the donee. अब कौन आया? Donor आया, और donor की अगर death हो गई है तो donee. ओके, इन केसेस में आपके जो अडॉप्टिव सन होते हैं, अगर किसी को अडॉप्ट किया जा रहा है या फिर अडॉप्टिव सन, ये लोग जाके प्रेजेंट कर सकते हैं रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार को उस पर्टिकुलर अडॉप्शन पेपर को रजिस्टर करने के लिए. सो दिस इज सेक्शन 40. नेक्स्ट सेक्शन 41, रजिस्ट्रेशन ऑफ विल्स एंड अथॉरिटीज टू अडॉप्ट. तो यहां पर बोला गया कोई भी विल या कोई भी अथॉरिटी टू अडॉप्ट अगर प्रेजेंट करी गई है फॉर रजिस्ट्रेशन बाय द टेस्टेटर और डोनर, इट मे बी रजिस्टर्ड इन द सेम मैनर जैसे कोई और डॉक्यूमेंट रजिस्टर किया जाता है. सेकेंडली, अगर कोई भी विल या अथॉरिटी टू अडॉप्ट प्रेजेंट करी गई है फॉर रजिस्ट्रेशन बाय एनी अदर पर्सन एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट इट, तो इट शैल बी रजिस्टर्ड इफ द रजिस्ट्रिंग ऑफिसर इज सैटिस्फाइड. तो अगर कोई भी विल या अथॉरिटी टू अडॉप्ट प्रेजेंट करी गई है कोई और पर्सन, किसी और पर्सन ने प्रेजेंट करी है अदर देन दोज पर्सन जो एंटाइटल्ड हैं, तो वो डॉक्यूमेंट, वो विल या फिर अथॉरिटी टू अडॉप्ट तभी रजिस्टर किया जाएगा जब रजिस्ट्रिंग ऑफिसर कुछ बातों से सैटिस्फाइड हो जाए. वो बात क्या है? सबसे पहली कि वो जो विल या अथॉरिटी है उसको एग्जीक्यूट किया गया है, वो एग्जीक्यूटेड है बाय द टेस्टेटर या फिर डोनर. दूसरी चीज, या तो वो सैटिस्फाइड हो जाए कि जो टेस्टेटर है और डोनर है उनकी डेथ हो गई है. एंड तीसरी चीज, जो पर्सन विल या अथॉरिटी को प्रेजेंट कर रहा है वो एंटाइटल्ड है. तो तीन चीजों से अगर वो सैटिस्फाइड हो जाएंगे तो वो उस सर्कमस्टांसेस में रजिस्टर कर देंगे कि वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया है, टेस्टेटर डोनर की डेथ हो चुकी है, और जो पर्सन प्रेजेंट कर रहा है वो एंटाइटल्ड है प्रेजेंट करने को. वो तो वहां पर वो उस विल अथॉरिटी टू अडॉप्ट को रजिस्टर कर देंगे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 42 है डिपॉजिट ऑफ विल. कोई भी टेस्टेटर पर्सनली या फिर अपने एजेंट के थ्रू किसी भी रजिस्ट्रार के पास अपनी विल को एक सील कवर में अपना नाम, टेस्टेटर अपना नाम या फिर एजेंट जिसके थ्रू वो भेज रहा है उनका नाम लिख के, विद अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट भी साथ में जाती है जिसमें नेचर डिस्क्राइब होता है उस डॉक्यूमेंट का, एक सील कवर में डाल के रजिस्ट्रार को वो पर्सनली टेस्टेटर जाके दे सकते हैं या फिर एजेंट के थ्रू डिपॉजिट करा सकते हैं. तो ऐसे विल डिपॉजिट होती है. तो किसके अंदर होती है? सील कवर के अंदर होती है. ठीक है, और उसके साथ आपको नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट बताना होता है. क्या बताना होता है? नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट बताना होता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका सेक्शन 43, प्रोसीजर ऑन डिपॉजिट ऑफ विल्स. अब प्रोसीजर ऑन डिपॉजिट ऑफ विल्स, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जब विल रजिस्ट्रार रिसीव करेंगे? तो जैसे ही वो कवर रिसीव करा जाएगा रजिस्ट्रार के थ्रू, तो रजिस्ट्रार पहले तो अपने आपको सैटिस्फाई करेंगे कि जो भी पर्सन इसको प्रेजेंट कर रहा है फॉर डिपॉजिट वो टेस्टेटर है या फिर टेस्टेटर का एजेंट है. और उसके बाद वंस रजिस्ट्रार इज सैटिस्फाइड, वो उसको ट्रांसक्राइब कर देंगे रजिस्टर बुक में. और उसके बाद एंड ऑन द सेड कवर, उस पर्टिकुलर कवर पे ईयर, मंथ, डे एंड आवर जब भी उसको प्रेजेंट किया गया था और उसे रिसीव किया गया है, तो ये चार चीजें वो सील कवर पे मेंशन करी जाएंगी. और वो चार चीजें क्या है? ईयर, मंथ एंड डे एंड आवर.
तो टाइम, डे, मंथ, ईयर ये सब सील कवर पे मेंशन करेंगे रजिस्ट्रार, और जिस जब भी उसको रिसीव किया गया है और जब भी उसको प्रेजेंट किया गया, और जो भी पर्संस, नेम ऑफ एनी पर्संस जो टेस्टिफाई कर सकते हैं एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द टेस्टेटर, जो भी टेस्टेटर की आइडेंटिटी, टेस्टेटर या फिर एजेंट की आइडेंटिटी को टेस्टिफाई करेंगे, उनका नाम, तो ये सब चीज़ें लिखी जाएंगी। फिर उसके बाद रजिस्ट्रार उसको सील्ड कवर को किस में रख देंगे, फायर प्रूफ बॉक्स, अभी हम लोग ने पढ़ा था, उस फायर प्रूफ बॉक्स में वो सील कवर रख दिया जाता है सारी एंट्रीज करके। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 44, जो कि बात करता है विड्रॉल ऑफ सील्ड कवर डिपॉजिटेड अंडर सेक्शन 42। अब वो सील कवर अगर कोई विड्रॉ करना चाहता है तो क्या प्रोसीजर होगा, तो अगर टेस्टेटर विड्रॉ करना चाहता है वो सील कवर, तो वो अप्लाई पर्सनली कर सकता है अपने एजेंट के थ्रू रजिस्ट्रार को, और अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है कि एप्लीकेंट एक्चुअली टेस्टेटर या एजेंट है तो वो उसको डिलीवर कर देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 45, जो कि बात करता है प्रोसीडिंग्स ऑन डेथ ऑफ डिपॉजिटर। अगर डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है तो मतलब टेस्टेटर की अगर डेथ हो जाती है जिसने डिपॉजिट किया था सील कवर अंडर सेक्शन 42, तो एप्लीकेशन दी जाएगी रजिस्ट्रार को जिसके पास वो सील कवर है, एंड अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है कि येस टेस्टेटर की डेथ हो गई है, तो वो एप्लीकेंट की प्रेजेंस में उस कवर को ओपन करेंगे, एंड उसके बाद एप्लीकेंट के एक्सपेंस पे उसके सारे कॉन्टेंट्स जो हैं कॉपी किए जाएंगे, एक बुक नंबर 3 होती है उसमें जो भी उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में जो भी चीज़ें लिखी थी उनको कॉपी किया जाएगा बुक नंबर 3 में, इनकेस अगर टेस्टेटर की डेथ हो जाती है। ओके एंड उसके बाद जब वो कॉपी बना लेंगे रजिस्ट्रार, फिर उसके बाद वो रीडिपॉजिट कर लेंगे ओरिजिनल विल को। क्या कर लेंगे? रीडिपॉजिट कर लेंगे ओरिजिनल विल को। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 47, जो कि बात करता है टाइम फ्रॉम विच रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑपरेट। अब ये तो आप अभी हम लोग ने पढ़ लिया कि जो भी डॉक्यूमेंट है वंस इट इज एग्जीक्यूटेड उसके 4 मंथ्स के अंदर हमें उसकी रजिस्ट्रेशन करानी होती है। अब हमने उसकी रजिस्ट्रेशन करा ली तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑपरेट कब से होगा? तो सेक्शन 47 कहता है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तब से ऑपरेट होगा कि अगर जब आपने उसकी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराई होती तो वो ऑपरेटिव होता, उसी डेट से वो ऑपरेट होगा। रजिस्ट्रेशन की डेट से वो ऑपरेटिव नहीं होगा, उस दिन से वो ऑपरेटिव होगा। तो अगर इफ आई टॉक इन सिंपल लैंग्वेज, तो जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है उस दिन से ही वो ऑपरेटिव होगा, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, सो दिस इज सेक्शन 47। नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन 49, जो कि बात करता है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। अब सेक्शन 17 मैंडेटरी बताता है एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जिनको आपको रजिस्टर करना ही होता है, अगर आप उन्हें नहीं रजिस्टर कराते हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा, वो सेक्शन 49 में दे रखा है। तो इसमें बोला गया है कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग अगर रजिस्टर्ड होना है एंड अगर आपने उसको रजिस्टर नहीं कराया है, तो वो कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज में इन्वॉल्व है उसको अफेक्ट नहीं करेगा, कोई भी पावर टू अडॉप्ट कॉन्फर नहीं करेगा, और एज अ एविडेंस कहीं पर भी नहीं लिया जाएगा। तो तीनों राइट्स आपके पास नहीं होंगी, एज अ एविडेंस वो नहीं लिया जाएगा, अथॉरिटी टू अडॉप्ट भी आपके पास नहीं होगी, और कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी राइट अफेक्टिव नहीं होगी। तो तीनों चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी जब तक वो डॉक्यूमेंट अगर 17 सेक्शन के द्वारा मैंडेटली रजिस्टर्ड है और आप इसे रजिस्टर नहीं कराते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 60, जो कि बात करता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में, और यहाँ पर बोला गया है आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 34, 35, 58, 59 एज अप्लाई टू अ डॉक्यूमेंट विच हैज बीन प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रिंग ऑफिसर क्या करेंगे, एक सर्टिफिकेट इंडोर्स करेंगे एक सर्टिफिकेट के ऊपर वर्ड रजिस्टर्ड, तो सर्टिफिकेट के ऊपर वर्ड रजिस्टर्ड इंडोर्स करेंगे रजिस्ट्रिंग ऑफिसर, एंड टुगेदर विद द नंबर एंड पेज ऑफ द बुक जिसमें उस डॉक्यूमेंट को कॉपी किया गया है, जिस डॉक्यूमेंट को जिस भी बुक के जिस भी पेज पे वो डॉक्यूमेंट कॉपी किया गया है वो, और रजिस्टर्ड इंडोर्स किया जाएगा एक सर्टिफिकेट के ऊपर। उसके बाद उस सर्टिफिकेट में साइन होंगे, सील होगी, डेट होगी बाय द रजिस्ट्रिंग ऑफिसर, एंड देन इट शैल बी एडमिसिबल फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग दैट द डॉक्यूमेंट हैज बीन ड्यूली रजिस्टर्ड, तब माना जाएगा डॉक्यूमेंट ड्यूली रजिस्टर्ड हुआ है। सो दिस इज अबाउट सेक्शन 60। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 71, जो कि बात करता है रीजंस फॉर रिफ्यूजल टू रजिस्टर टू बी रिकॉर्डेड। तो यहां पर बोला गया है हर एक सब रजिस्ट्रार अगर रिफ्यूज कर रहा है
कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड की जिस प्रॉपर्टी को रजिस्टर होना है वो उसके सब डिस्ट्रिक्ट में फॉल नहीं करती. अगर ये ग्राउंड है कि जिस प्रॉपर्टी को रजिस्टर होना है और वो उसके डिस्ट्रिक्ट में फॉल नहीं करती है तो दैट ग्राउंड इज वैलिड. इस ग्राउंड के अलावा अगर कोई ग्राउंड है जिसपे सब रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर रहा है कोई डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से तो वहां पर उसे एक ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल बनाना होगा और उसके बाद अपने रीजन रिकॉर्ड करने होंगे और उसके बाद उस डॉक्यूमेंट पे उसे इंडोर्स करना होगा रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज. पार्टीज के एप्लीकेशन पे उन्हें विदाउट पेमेंट अननेसेसरी डिले उस पर्टिकुलर रीजंस की कॉपी जो है वो फर्निश करनी होगी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 72 जो कि आपकी बात करता है अपील टू रजिस्ट्रार फ्रॉम ऑर्डर्स ऑफ सब रजिस्ट्रार रिफ्यूजिंग रजिस्ट्रेशन ऑन ग्राउंड अदर देन डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन. तो एक्सेप्ट जहां पर रिफ्यूजल किया गया है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन ही डिनाई करी जा रही है और उस ग्राउंड पे अगर सब रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज कर दिया डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करना तो दैट इज अ वैलिड ग्राउंड. इसके अलावा अगर सब रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज कर दिया डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करना तो वहां पर अपील लाई करती है कहां पर रजिस्ट्रार के पास. तो किसके पास अपील लाई करती है? रजिस्ट्रार के पास अपील लाई करती है. एंड कितने अपील कब लाए करेगी? जब आपके सब रजिस्ट्रार ने जो ऑर्डर पारित किया है उसके 30 डेज के अंदर आप अपील कर दें. ठीक है, तो व्हेन यू अपील विद इन 30 डेज तो यू कैन यू हैव द राइट टू अपील टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज. तो ये 30 डेज का टाइम याद रखिएगा और कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर. उसके बाद अगर रजिस्ट्रार का ऑर्डर अगर रजिस्ट्रार ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर के थ्रू वो डायरेक्ट करते हैं कि डॉक्यूमेंट को रजिस्टर किया जाए और वो डॉक्यूमेंट ड्यूली प्रेजेंट किया जाता है फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज आफ्टर द मेकिंग ऑफ सच ऑर्डर तो सब रजिस्ट्रार को उसे ओबे करना ही होगा. एंड सच रजिस्ट्रेशन शैल टेक अफेक्ट एज इफ द डॉक्यूमेंट हैड बीन रजिस्टर्ड व्हेन इट वाज फर्स्ट ड्यूली प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन. तो क्या बोला गया है कि जैसे ही अगर रजिस्ट्रार ऑर्डर पारित कर देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर होगा तो विद इन 30 डेज, कितने टाइम में? विद इन 30 डेज जब वो ऑर्डर पारित करेंगे सब रजिस्ट्रार शैल ओबे द ऑर्डर. तो ये बात याद रखिएगा, सब रजिस्ट्रार को वो ओबे करना ही होगा. नेक्स्ट सेक्शन 73 एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार वेयर सब रजिस्ट्रार रिफ्यूजेस टू रजिस्टर ऑन ग्राउंड ऑफ डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन. तो जहां पर सब रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर देते हैं डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करना ऑन द ग्राउंड की कोई भी जो पर्सन है वो उसका एग्जीक्यूशन ही डिनाई कर रहा है तो जो भी पर्सन क्लेम कर रहा है उस डॉक्यूमेंट को वो विद इन 30 डेज, अगेन यहां पर भी कितना टाइम है? विद इन 30 डेज का टाइम है. आफ्टर द मेकिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल किसको अप्लाई कर सकते हैं? किसको अप्लाई करेंगे? रजिस्ट्रार को अप्लाई करेंगे. टू विच दैट सब रजिस्ट्रार इज सबॉर्डिनेट इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश की क्यों अप्लाई करेंगे कि मेरे डॉक्यूमेंट को रजिस्टर होने का पूरा अधिकार है, पूरी राइट है एंड सब रजिस्ट्रार इसको रजिस्टर नहीं कर रहे हैं. सच एप्लीकेशन शैल बी इन राइटिंग और उसके साथ कॉपी ऑफ रीजंस होंगे जो भी सेक्शन 71 में दिए गए हैं. नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 77 जो इंपॉर्टेंट है सूट इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल बाय रजिस्ट्रार. अब जहां पर रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर देते हैं किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से अंडर सेक्शन 72 या फिर 76 या कोई एनी पर्सन जो भी क्लेम कर रहा है उस डॉक्यूमेंट को या उनका रिप्रेजेंटेटिव, अगेन यहां पर भी कितना टाइम है? यू हैव 30 डेज. वो विद इन 30 डेज इंस्टीट्यूट क्या कर सकते हैं? सिविल सूट. क्या कर सकते हैं? सिविल सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल. ठीक है, जहां पर भी वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है वहां के सिविल कोर्ट में जाके सिविल सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 81 है. 81 और 82 जो है वो आपकी पेनल्टीज के बारे में बात करते हैं. 81 कहता है कोई भी रजिस्ट्रिंग ऑफिसर जो भी इस एक्ट के अंदर अपॉइंट किया गया है या कोई भी पर्सन जो इस ऑफिस में इंप्लॉय किया गया है जिसको ड्यूटी दी गई है कोई भी डॉक्यूमेंट को इंडोर्स कॉपी ट्रांसलेट या रजिस्टर करने के लिए वो जान बूझ के उसको इनकरेक्टली करता है या फिर इसलिए करता है ताकि किसी को इंजरी कॉज हो तो उसको कितनी सजा दी जाएगी? मैक्सिमम कितनी दी जाएगी? मैक्सिमम 7 years की पनिशमेंट है या फिर फाइन या फिर बोथ. दिस इज द पनिशमेंट. या नेक्स्ट 82 बात करता है पेनल्टी फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स डिलीवरिंग फॉल्स कॉपीज और ट्रांसलेशन फॉल्स पर्सोनेशन एंड अबेटमेंट. जहां पर इंटेंशनली कोई फॉल्स स्टेटमेंट देता है या फिर इंटेंशनली वो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर को कोई फॉल्स कॉपी देता है किसी भी या फिर फॉल्स ट्रांसलेशन देता है किसी भी डॉक्यूमेंट का या फॉल्सली अपने आप को कोई और दिखाता है या फिर इन सब चीजों को अबेट करता है तो अगेन सेम पनिशमेंट इज हियर. मैक्सिमम आपकी 7 years, फाइन और बोथ.
ठीक है. सो ये आपका सेक्शन 82 बोलता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका सेक्शन 83, जो कि बात करता है रजिस्ट्रिंग ऑफिसर्स मे कमेंस प्रोसिक्यूशन. अब यहां पर बोला गया है कि सेक्शन 83 सेज कि जो आपके रजिस्ट्रिंग ऑफिसर्स हैं, जो भी यहां पर इस पर्टिकुलर एक्ट में जो भी ऑफेंस किया जा रहा है उसको कमेंस किया जा सकता है विद द परमिशन ऑफ होम. किसकी परमिशन से? इंस्पेक्टर जनरल की परमिशन से, या फिर रजिस्ट्रार की परमिशन से, या फिर सब रजिस्ट्रार की परमिशन से, जिसकी भी टेरिटरी में वो हो रहा है. तो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर की परमिशन से प्रोसिक्यूशन शुरू किए जा सकते हैं इस एक्ट के अंदर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 84, जो कि बात करता है कि जो भी आपके रजिस्ट्रिंग ऑफिसर्स हैं उन्हें पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा. कहां पर पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा? अंडर आईपीसी, इंडियन पीनल कोड के अंदर माना जाएगा. एंड एवरी सच पर्सन, वो लीगली बाउंड होंगे कोई भी इंफॉर्मेशन फर्निश करने के लिए टू सच रजिस्ट्रिंग ऑफिसर. एवरी पर्सन मतलब हर एक इंसान बाउंड होगा इन रजिस्ट्रिंग ऑफिसर्स को कोई भी इंफॉर्मेशन फर्निश करने के लिए. सेक्शन 228 ऑफ आईपीसी की अगर बात करें तो जो जुडिशियल प्रोसीडिंग यूज किया गया है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग, वो सारी प्रोसीडिंग्स इंक्लूड करेगी जो इस एक्ट के अंदर हो रही है. यहां पर जो हो रही है प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग्स, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग की ही कैटेगरी में आएंगी. कहां दे रखा है? सेक्शन 84 में दे रखा है. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 85, विच टॉक्स अबाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ अनक्लेम्ड डॉक्यूमेंट्स. तो यहां पर बोला गया है डॉक्यूमेंट्स अदर देन विल्स रिमेनिंग अनक्लेम्ड इन एनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 2 years मे बी डिस्ट्रॉयड. तो विल्स के अलावा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है और वो क्लेम नहीं किए जा रहे हैं फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 2 years, 2 साल तक, 2 साल हो गए एंड उन्हें क्लेम नहीं किया जा रहा है, तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है. ठीक है, तो टेन्योर क्या है? अप टू 2 years. कितना है टेन्योर? अप टू 2 years. एंड रिमेंबर अदर देन विल्स, विल पे ये प्रोविजन लागू नहीं होता है. ओके, सो बिफोर आई प्रोसीड टुवर्ड्स द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन, इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू गिव योर थम्स अप, एंड येस डू पिंग डाउन योर कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो एंड टेल मी हाउ वॉज द वीडियो. So the last section of the presentation that is important is section 90, which talks about exemption of certain documents executed by or in favor of government. कुछ ऐसे document जो government के द्वारा execute होते हैं या उनके favor में execute होते हैं वो exempted हैं इस act के अंदर. तो बोला गया है नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू सच डॉक्यूमेंट्स. और वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? डॉक्यूमेंट्स जो भी इशू किए जाते हैं, रिसीव किए जाते हैं, अटेस्ट किए जाते हैं बाय एनी ऑफिसर जो कि लैंड रेवेन्यू की सेटलमेंट से रिलेटेड हो, लैंड रेवेन्यू के सेटलमेंट के रिकॉर्ड से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी डॉक्यूमेंट या मैप जो कि इशू किए जाते हैं, रिसीव ऑथेंटिकेट किए जाते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे, जो कि सर्वे ऑफ लैंड से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि पीरियोडिकली फाइल किए जाते हैं रेवेन्यू ऑफिस में पटवारी द्वारा, कोई भी सनत, इनाम, टाइटल डीज या कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो कि ग्रांट या असाइनमेंट्स होती हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं, कोई भी नोटिस आपका सेक्शन 74 और 76 ऑफ द बॉम्बे लैंड रेवेन्यू कोड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है. दे शैल नॉट बी डीम्ड टू बी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड. All such documents and map shall for purpose of section 48 and 49 उन्हें मान लिया जाएगा कि वो registered हैं. आपको उन्हें register कराने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, तो ये आपकी 5 categories दे रखी है. You need to remember these categories. So that was all about in this video. I hope you like this video. Thank you so much for watching this. Meet you in the next video.